गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज भी शाम को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। आपको लग रहा होगा मेरा मुंह बहुत कम 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 खुल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। पूरे गले में फीवर टाइप भी लग रहा है और अंदर से ना कुछ काट रहा है, मतलब अपना खुद का सलाइवा भी अंदर लेके जा रही हूँ ना तो भी इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसे वाली बहुत ही गंदी है, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अब बस ब्रेक होगा मेरा 6:30 बजे। 6:30 बजे मैं डॉक्टर को विज़िट करती हूँ और चेक करा के आती हूँ कि हुआ क्या है। वही है ना, जब आदमी तरक्की करता है तो कोई ना कोई कठिनाई आती है, तो ये वही कठिनाई है। मुंह से बोल बोल के तरक्की कर रही थी तो गले का ही बेड़ा गर्क हो गया। और बहुत ही गंदा है, आपको बता नहीं सकती, यहाँ पे और यहाँ पे। आय हाय क्या दर्द हो रहा है, मज़ा आ गया। ब्रेक हो गया, ब्रेक में मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है तो मैं फटाफट जा रही हूँ डॉक्टर के पास। पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ड्राइव भी नहीं आती, जो मेरे में एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं फटाफट जाती हूँ डॉक्टर के पास और दिखा के आती हूँ गले को हुआ क्या है। तो दवाई लेके पहुँच गई हूँ घर। डॉक्टर ने बोला बहुत ही गंदे वाला इन्फेक्शन हुआ है, पूरे गले में, पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरी रेडनेस है। तो खट्टी वट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है और ये सब फलाना टिकाना तो हो जाएगा। 5-6 दिन लगेंगे। ये मिली है दवाइयाँ, दवाइयाँ खाती हूँ अभी। तब तक ये मेरी चुन चुन क्या कर रही है, चुनचा पोग आई है, चुनचा पोग आई है, ठीक है गाइस। और साथ में ही चल रही है मेरी जॉब। किचन में मैंने लैपटॉप रख लिया ताकि काम करने में इजी रहे। उधर मैं कर देती हूँ अंकित के लिए इडली सांभर की तैयारी। वो तो कह रहे थे तबीयत ठीक नहीं है तो तू कुछ भी नहीं बनाएगी, मैं मैगी खा लूँगा। बट ऐसा हो नहीं सकता, सुबह घर से सिर्फ एक कप दूध पी के जाते हैं, वापसी आके घर पे ही खाते हैं। वहाँ तो जो खाते हैं वो खाते हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अंकित के लिए बनाती हूँ इडली सांभर, उनको बहुत पसंद है। चटनी नहीं बना पाऊँगी ऑब्वियसली, साथ में जॉब कर रही हूँ तो इडली सांभर बना देती हूँ। सारे काम से फ्री, अब करते हैं डेरी हमारी इडली। एक चीतू खा रही है इडली। चीतू कैसी है, टेस्टी? और ये है सांभर और चटनी, खाते हैं और फिर मिलते हैं। मैंने इनको बताया कि मैंने तुम्हारे लिए बीमारी में भी थक के इडली सांभर बनाया। इनसे सब्र नहीं हुआ कि इनको कपड़े चेंज कर लें, बस शूज उतार के फेंके हैं और किचन की स्लेब पे खाना शुरू हो गए। क्यों भैया? मैं तेरी तरह नहीं हूँ, हाथ भी धो के आया हूँ, हाथ धो के खा रहे। हाँ, ओहो, हाई तो कैसे भूल सकते हैं, हाई। तेरी तबीयत खराब थी आज? बहुत, अभी क्या भी हुआ? है। डॉक्टर ने बताया गले में इन्फेक्शन है। और गंद खाओ, मैंने क्या खाया बोल रहे हैं आप? झूठ बोल बोल के जो तू ज्यादा डाइटिंग कर रही है, सब कुछ खा रही थी, फिर ये डाइटिंग कर रही हूँ। कैसा बना है? अच्छा बना, एक कमी रह गई हमेशा की तरह। चटनी बोलोगे, वो मैंने व्लॉग में पहले ही बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चटनी नहीं बना सकता। तो बढ़िया भाई, लेकिन अच्छा बना है। तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना तुम्हें ये खिलाऊंगी आज? मुझे तो उम्मीद थी आज मैगी खिलाएगी, है ना? देखा, बीवी हो तो ऐसी, वरना कम बखत हो ही ना, है ना? और आप लोग बहुत बंदे सोचते होंगे कि मेरा रेस्टोरेंट है और मैं रेस्टोरेंट का खाना क्यों नहीं खाता, क्योंकि भाई मैं रेस्टोरेंट का खाना खा खा के इतना पक चुका हूँ, इतना पक चुका हूँ कि अब घर का जो वो होता है ना सादा खाना वो अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बीवी इतनी महान है, सादे खाने के अंदर भी इतना मिर्च मसाला डाल देती है, वो लगता है कि फिर मैं बाहर का ही खा रहा हूँ। मतलब तारीफ करनी तो भाड़ चूल्हे में गई कि वो बेचारी जॉब के साथ साथ इतना हार्ड वर्क करती है मेरे लिए। तुमने ये घुसा दिया कि मिर्च मसाले डाल के होटल जैसा बनाती है, तो तारीफ ही करी थी मैंने। बहुत बढ़िया, पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं आप। क्या हुआ है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्या आप बैठे कहाँ पे हो? किस पे गुस्सा आ रहा है आपको? कौन हुआ है वहां पे? तब से पे किचन में हूं, आप क्यों चिल्ला रहे हो इतना? हाँ क्या है उधर, क्या दूं आपको? दूसरी बार चेयर, उस पे कौन बैठेगा? पा तो पा बैठे तो है, पापा को कितना अलग अलग चाहिए क्या? आप लड़ क्यों रहते मम्मा से? मैं जा रही हूं अब, ठीक है? चिल्लाना नहीं, आवाज नहीं लगाना मुझे, ओके बाय। आप देखना फिर चिल्ला रही है, क्या कह रहे हो? क्या काल है? इडली खाना है तो पापा को बोलो ना, पापा प्लीज दे दो। हाँ वो कह रही है आप खा लो। नहीं, मना कर रही है, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो?
नहीं समझ आता तुम्हें? आप की के गीले गए खाओ। बाय। तो आज इतने टाइम बाद हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी शादी से पहले का जो हमारा फर्स्ट हाफ था वो आज बताएंगे, और जो सेकंड हाफ था शादी तक कितनी मुश्किलों से हमारी शादी हुई वो कल बताएंगे। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को हमने पहले बताया था कि जिस दिन हमारे पास वीडियो का कोई टॉपिक नहीं होगा ना उस दिन वो अपनी कहानी बताएंगे, तो हमारे साथ वही सेम चीज़ हो रही है। नहीं ऐसा नहीं, आज मेरी तबीयत खराब थी तो मैं किचन में गई भी, काम भी किया सारा, बट मैंने फिर से शूट नहीं किया क्योंकि अभी दवाई ली है मैंने, तो मेरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रिलीफ है, पर सुबह से तो ऐसा मेरा पंचर था, हल्का हल्का फीवर भी आने लगा था। पंचर ही रहती है तो? अच्छा नहीं वो ऐसे नहीं बोलना, पंचर नहीं रहती है अब, ठीक है? जिस दिन एक लड़की जितना काम करोगे ना उस दिन उठोगे नहीं अगले दिन, ठीक है? तो आज हम आपको सुनाते हैं स्टोरी। बात स्टोरी पे तो होता यार, इसने जो चोरी सुनाई थी आप लोगों को वो चोरी तो अब मैं धीरे धीरे पूरी करूंगा। हाँ जी शुरू करो। तो भाई मैं इंटरव्यू देने गई, इंटरव्यू क्लियर हुआ, फिर मैंने जॉब ज्वाइन की जहाँ पर ये थे फाइनली, वो वाली, फिर वो वाली करी तो ये और इनका दोस्त था, और दोनों ही मुझ पे हो गए पागल। हम दोनों पागल हो गए थे? नहीं हुए थे, माँ कसम खा लो। मैं नहीं हुआ था भैया। अरे मेरे पास ना मेरा फोन में बैटरी नहीं है, वरना मैं अभी आपको लोगों को दिखा देता। मेरे पास आज भी फेसबुक के अंदर वो मैसेज पड़े हैं जो इसने मेरे को प्रपोज किया था पहली बार। ऐसे तो तुमने 70 लड़कियों को मैसेज करे, इफ यू आर अ गर्ल मैसेज मी, इफ यू आर अ बॉय मैसेज मी, इफ यू आर फॉरेनर मैसेज मी, इफ यू आर नागालैंड मैसेज मी, ऐसे तो मेरे को मत बताओ फोन चार्ज होगा तो तुम्हारे। लेकिन सही बता रहा हूँ, मेरे पास आज भी मैसेज पड़े हैं, मेरा फोन अभी थोड़ा चार्ज हो जाए, हो सकता है वीडियो बनाते बनाते तब तक वो चार्ज हो जाएगा और मैं वो दिखा दूंगा सीन। गधे का पाद और इंसान की लात, नहीं गधे की लात। तू पहले बोलना सीख, मैं बताऊं एक बराबर मैं बताऊं। जब गाय पूंछ उठाती है और जब प्रिया मुंह खोलती है तो क्या होता है, आप लोग बताना इसका जवाब। तो हुआ कुछ ऐसा था जब मैं ये बताऊंगी कि तुम इतना झूठ मिक्स कर देते हो ना, बिल्कुल दूध में पानी। मैं तो भैया सच बोलता हूँ, सच के सिवाय और कुछ नहीं। तुम रहन दो, तुम मत सच का नाम बदनाम करो, मेरे को अभी से इतना बीपी मेरा हाई होता जा रहा है तुम्हारी बातें सुन सुन के, भगवान कसम मैं फोन फेंक दूंगी या वीडियो नहीं बनाऊंगी। चुप रहो, मेरे को बोलने दो। हाँ बोलो। झूठ झूठ, देखा खुद बोल गए, खुद मान गई ना, मेरे को बोलने तो झूठ। झूठ अभी इसने खुद, अभी इसने खुद बोला है कि मुझे बोलने तो झूठ। अच्छा सुना ना, तीन चार दिन के लिए छुट्टियों पे चले जाओ ना। अभी तो रोज मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, इससे यार छुट्टी क्या, परमानेंट छुट्टी दे दे। अब इसे क्या चाहिए यार, क्या चाहिए बेटा, व्हाट यू वांट? शीतू ये देखो कहाँ फोन रखा। हाय ये क्या, यहाँ फोन रखना है? ओए चलो सबसे बात कर लो, सब आपको देख रहे हैं, सब गलती बात कर रहे हैं। अब बताओ, इसलिए हम ऑफिस गए थे, हम एक ऑफिस में मिले जहाँ पे ये और इनके दोस्त दोनों ही मेरे पे फ्लैट हो गए, फिर दोनों में एक शर्त लगी कि ये किसकी गर्लफ्रेंड बनेगी ऐसी वाली। बेटा कोई भी बंदा ना इतना झूठ नहीं बना सकता, मैं सच बता रही हूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है? तो भाई ऐसे ऐसे होता रहा, फिर इन्होंने मुझे धीरे 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 धीरे, फिर ना मेरे को वो ऑफिस पसंद ही नहीं आया। सालों ने 12,000 बोला देंगे, फिर लास्ट में फिर हाथ पे आगे बोले 6,000 में। अरे 6,000 में तो मैं ईंटें फेंक दूँ ऊपर, उसमें बंदा कमा ले 500 रुपये पर डे। मैंने कहा नहीं करूँगी, अगले दिन से मैंने कहा मम्मी मैं नहीं जा रही। मैं बोली ठीक है भाई, ये रोने लगी एक ही दिन। तुमने मुझे नहीं बताया था कि ऐसा हुआ था? वह भाई साहब नहीं आई थी तो मेरे दिल में ऐसा हो। मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो ये एक काल्पनिक कहानी है, इसके ऊपर कृपया करके यकीन ना करिए। तुम चुप रहो, ठीक है? फिर मैं नहीं गई, फिर मैंने ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बता देता हूँ पूरी कहानी। ऑफिस आई, ऑफिस आने के बाद ये अगले दिन छुट्टी पे चली गई, और ये बाय चांस की बात थी कि मेरी टीम के अंदर भी आ गई, तो मेरी टीम के अंदर हो गया था स्टाफ कम, तो मैंने कहा अब ये कैसे होगा। तो अगले दिन ये फिर दोबारा ऑफिस आई, तो इसने फिर मेरे को फेसबुक के ऊपर मैसेज करना शुरू कर दिया। झूठ, 6 दिन बाद मैंने फोन किया तो जो फोन, जो मेरे पास नंबर था उस टाइम जो हमें प्रोवाइड किया गया था, रुको मेरी जुल्फे भाग रही है, फिर जो नंबर उस टाइम हमें प्रोवाइड किया गया था वो इनके फ्रेंड का किया गया था, इनका किया था, पर मैंने नोट डाउन नहीं किया था। इनके फ्रेंड को फोन किया, जैसे वो बोलता प्रिया का फोन है, भाई इनमें तो फूल में भवरे नहीं निकल जाते। हाँ मेरी बात करो, कब से आएगी, कल आएगी, इतने दिन से क्यों नहीं यार।
तुमने मुझे प्रिया सच ये था, इसने मेरे को कर दो आज के वीडियो को यही पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। तू गलती क्यों है? सच्चाई पे क्यों गलती है? नहीं सच्चाई पे गलती क्यों है? वास्तविकता में कोई लव स्टोरी नहीं है। क्यों गलती है? एक ऐसा कांड है जो सोलर एक्लिप्स निकलता है तब हो गया। यार इसने ना मेरे को, देखो मैं सही बता देता हूँ, इसने मेरे को फेसबुक के ऊपर मैसेज करा था और इसने प्रपोज करा था। मैंने पहले मना कर दिया था इसको, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। क्या करा था? प्रपोज। स्पेलिंग बताना जरा। मैं नहीं बता रहा, एक बार बता दो। बताओ। मैं नहीं बता रहा, लेकिन उसके बाद हुआ ये था, इन्हें प्रपोज करा, मैंने इसको मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास अपनी यारी दोस्ती बहुत है, मेरे पास बस सब पता है। जो पहली गर्लफ्रेंड थी ना बर्तन वाली थी, जो बर्तन कपड़े दे दो, बर्तन मेरा मुंह ना खुलवाओ, इसको बंद कर दो। गाइस बाद में मिलेंगे। मेरे से मत पूछना क्या स्टोरी थी। चंद्र यार कितना रोती है यार, कितना रोती है। वीराना वाली हीरोइन हमारी ना कभी भी, हमारी कभी भी लव स्टोरी ना पूरी नहीं हो पाएगी, इस तरीके से चलेगी। मैं सच बता रहा हूँ। पहले ना ये मेरा पानी, एक चीज बताओ जो बंदा सच बोलता है ना। तो अभी हम दोनों ने लव स्टोरी सुनाते सुनाते ना थोड़े से लाउड हो गए थे। मम्मी के कमरे में बात चले गई। मम्मी बोली क्या हुआ है? अंकित बोले बहुत बदतमीज है, उल्टा सीधा बोलती है, आपके बारे में गलत बोल रही है वो। अब देखना मम्मी डर गई है कि सच्ची में लड़ाई हुई है। अब देखना क्या है। कुछ तो हुआ, दीदी चिक्का दी आवाज आ रही थी। तू आ जा पहले। दिमाग खराब करके रखती है बेफजूल पे। लड़ाई कर रहे हैं मम्मी पापा? लड़ रहे हैं? किसने लड़ाई करी? मम्मी ने किसके साथ? लड़ाई करी? बाबा जी के साथ। क्या बेबी चाहिए हो? नहीं अब सोना है, वो सो रही है, रात है, छोना छो जाओ। चलो फ्रेंड्स यहीं पे हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। हमारी लव स्टोरी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरा ना होने का उसका एक रीज़न है, सबसे बड़ी प्रिया खुद, क्योंकि वो हर बार गलत चीज़ झूठ बोलती है, उस वजह से हमारी लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम कभी अपनी लव स्टोरी पूरी कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर लव स्टोरी फिर भी सुननी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि प्रिया जी बिल्कुल सच सच बताओ और शांति से बताओ, इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ प्रिया क्या कर रही है। मुंह बनाकर लेटी हुई है, मुंह नहीं बनाया गाइस, मैं सच बोलती हूँ, झूठ बोलती हूँ। तो मेरे नाम पे आप कमेंट में ऐसा कुछ ना लिखें, मेरे नाम पे इस वीडियो को आप प्रिया फैला दे। अरे तुझे खुदा का वास्ता है, तुझे भगवान से डर, भगवान से मुझसे मत डर। मम्मी फिर आएगी तो उनका बीपी हाई जाएगा। शांत नहीं हो सकते तुम? मेरे को बोलने दो। तो आप कमेंट में प्रिया ऐसे से मत लिखो, आप बस कमेंट में आग लगा दो, हवा में उड़ा दो और इनके नाम पे लिख दो अंकित कीप क्वाइट। दोबारा एक नई वीडियो के अंदर, तब तक मेरे बाल की सेटिंग सही है। बाय करते हैं और कल मिलेंगे दोबारा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में करें, महारानी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बाय बाय बाय। तेरी झुकी नजर।